नंबर 23 देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू वी डब्ल्यू ऑल आर पॉजिटिव ना द पी एथ एंड क्यू एथ आर ए टर्म ऑफ एन जी पी, ये जी पी के पी वन टर्म और क्यू वन टर्म और आर वन टर्म है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। कई बार आप इसको कई बार आप कर रहे हो तो आपको पता होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है ऐसे क्वेश्चन में, ये नहीं पता तो एक बार देख लो कैसे सॉल्व करोगे। टी पी इज इक्वल टू पी एथ टर्म आपका यू है तो ए आर की पावर पी माइनस वन, यहाँ पे क्यू को आप ले सकते हो इस तरह से और आर ए टर्म का आप ले सकते हो डब्ल्यू बराबर ए आर, और यहाँ पर कितना होगा ए आर की पावर आर माइनस वन। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आप रख दोगे तो आप पहले आप ऑपरेशन क्या लगा दो, रो वन माइनस रो टू लगाओगे तो गाइस तो यहाँ पर होगा लॉग यू माइनस लॉग वी होता है, बट आप क्या लॉग की प्रॉपर्टी से डिवाइड में कर सकते हो, तो हमने सिर्फ वही किया डिवाइड में कर दिया बस गाइस। अब इसे मैं वन से क्या क्या खोल दिया हूँ, ठीक है वन से खोलने मुझे मिला है क्यू माइनस आर या एल एन यू अपॉन वी माइनस पी माइनस क्यू एल एन वी अपॉन डब्ल्यू। अब गाइज अब वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, ठीक है तो अब यू की वैल्यू मैं यहाँ से रख दिया, वी की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे जो मेरे पास कट पिट के आएगा आर की पावर पी माइनस क्यू, यहाँ पे आर अच्छा सॉरी गाइज यहाँ पे एल एन होगा एल एन आर की पावर क्यू माइनस आर। ठीक है तो अब इसको क्या कर सकते हो, आप आगे भेज सकते हो, इसको भी क्या भेज सकते हो आगे भेज सकते हो, तो भेजा गया तो क्या मिला एल एन क्यू माइनस आर एल एन पी माइनस क्यू एल एन पी माइनस क्यू एल एन क्यू माइनस आर, और बाहर क्या आएगा एल एन आर दोनों में था तो मैं कॉमन ले लिया हूँ तो सेम हो गया गाइज, अंदर जीरो आ गया एल एन आर इंटू जीरो कितना आपका आएगा जीरो। तो गाइज इस हिसाब से आपको जो आंसर आएगा आंसर नंबर क्या होगा ए, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ करेक्ट।